Assalamualaikum everyone. Mera naam Ayesha hai aur main वैसे तो San Jose, California में होती हूँ. लेकिन आजकल छुट्टियाँ थी बच्चों की, so I'm on travel. I'm actually located in Houston right now, Houston, Texas. So I'm very excited to meet everyone. Mashallah, part of PAC 100 group with Hassan Bhai for about 1 year now. I think August 2020 se join kiya tha. So it's a very exciting group for me. It's very empowering for me to work together with all the overseas Pakistanis coming together and focusing on entrepreneurship in Pakistan. So ek tarah se ek mission mil gaya hai aur ek purpose mil gaya hai, bahut fulfilling hai. So I'm very excited to be here. And that's why I said, even if I'm traveling, I'll definitely join. So I'm very pleased to meet you all. I work for Cisco. I am an intrapreneur, which means that I'm working on some product roadmap and vision within the company of Cisco. My field is data governance. So data governance mein bahut sara kaam hota hai, data, systems, technology, people, and processes. Yes. Ayesha, agar aap Urdu mein baat kare ya Sindhi mein to theek hai. Yes. Theek hai, lekin ye ke angrezi mein thoda sa fast hain aap, Silicon Valley ki tarah na. Nahi nahi, sure. Silicon Valley wale aise hi hain. Inshallah. Nahi nahi, main slow down ho jaungi, alhamdulillah. To ji, mera taluq waise to Karachi se hai aur main DHA mein pad chuki hu aur phir takriban 25 saal pehle main family ke sath move ho gayi thi California. और यहाँ पे कैलिफोर्निया में स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर जो यूनिवर्सिटी में मेजर था वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स चूज किया. यहाँ पे वैसे सिलिकॉन वैली में ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप था, लेकिन जो भी मैंने क्लासेस ली थोड़ी बहुत कंप्यूटर साइंस की भी, जैसे प्रोग्रामिंग हो गई, C++ हो गया, तो उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि मे बी ये कोडिंग और मे बी ये सारी जो सीरीज है ये मेरे लिए नहीं है. तो मैंने जो चूज किया प्रोफेशन वो बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बिल्कुल दरमियान में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स था. और इस लिहाज से मुझे बहुत वो अपने स्किल्स और अपने स्ट्रेंग्स के लिहाज से बहुत मिलता जुलता मेजर लगा. और उसी पे मैंने फिर जॉब्स में भी सर्च किया और उसी में मेरा करियर फिर चला. शुरू में मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो एप्पल कंप्यूटर्स में थी. मैं विदिन एचआर में थी, ह्यूमन रिसोर्सेज में. और फिर उसके बाद मैंने फिर सिस्को ज्वाइन किया और उसमें मैं बता रही थी कि डेटा सिस्टम्स, पीपल और प्रोसेस के दरमियान में जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, मैं उसमें हूँ, उस टीम में हूँ. तो ट्रांसफॉर्मेशन का वैसे भी मतलब है कि आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है लोगों को चेंज करने में, लोगों को एडवांस करने में. जैसे कोई स्ट्रेटजी होती है वो 3 to 5 years फ्यूचर के होती है. तो फ्यूचर में अब लोगों को चेंज करना और अपने साथ मिला के लाना, चेंज को अडॉप्ट करना, उसमें कुछ स्किल्स ज़रूरी होती हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी आज कराची के स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स के कोहोर्ट के साथ. कि आजकल हम बहुत सुनते हैं लव्स है एम्पथी. तो एम्पथी का वैसे तो उर्दू क्या, मुझे लुकअप करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है, लेकिन बहुत तरह से लोग कहते हैं कि आपको एहसास होना चाहिए, कि सेंसिटिविटी होनी चाहिए, कि आप किस कस्टमर्स के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो आजकल के लिहाज से हमें एम्पैथी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, ज़्यादा लर्न करना चाहिए. क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप किसी भी इनोवेशन पर काम करना चाहते हैं या किसी भी क्रिएटिव सोल्यूशन पर काम करना चाहते हैं, तो आपको लोगों को आपके अपने साथ लाना पड़ता है. क्योंकि ऑफन टाइम्स अगर आप किसी नई आइडिया पे काम कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि आप उनसे 10 कदम आगे हैं, कभी या तो 100 कदम आगे होंगे, कि आप आगे की सोचते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर. लेकिन लोगों को अपने साथ लाके चलना एक अपना एक और स्किल है. तो मैं थोड़ा बहुत आपसे एम्पैथी के बारे में डिस्कस करना चाह रही थी आज. तो मैं किसी मायने से अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझती एम्पैथी के बारे में. मैं खुद स्टूडेंट हूँ एम्पैथी की. कंटिन्यूइंग मैं अपने स्टडीज कंटिन्यू करती हूँ. मैं अभी स्टैनफोर्ड में भी कोर्सेज ले रही हूँ डिज़ाइन इनोवेशन की और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की. क्योंकि इवन सिस्को जैसी कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि इंटरप्रेन्योर के लिहाज से भी मुझे ऐसी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है जो अभी मे भी करिकुलम में सिखाई नहीं जा रही.
लेकिन वो हमें स्किल्स चाहिए आजकल के हिसाब से काम करने के लिए. तो एम्पैथी क्या है, राइट? हम अगर बात करें कि एम्पैथी का मतलब क्या है, तो एक तो था कि एहसास होना चाहिए लोगों के बारे में कि लोगों के क्या पेन है, क्या मसले मसाइल हैं, हम किस लिहाज से क्या सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं और किसको उसका फायदा होगा अल्टीमेटली. तो एक तो ये एहसास की बात है कि आपको कहते हैं ना कि यू शुड नो हाउ टू वॉक इन समवन एल्सेस शूज, कि आप किसी और की, मतलब इतना आपको उसका फीलिंग और एहसास हो कि आप किस कस्टमर के लिए या किस सेगमेंट के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. लेकिन दूसरा जो मायने है एम्पैथी का, मैं जिसमें आई थिंक मैंने जिस बहुत लर्न किया जिसमें, कि हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि हमें अपने ही कुछ लिमिटेशंस हैं. अब मैं जो कह रही हूँ कि मुझे ये कभी नहीं समझना चाहिए कि मुझे दुनिया में जो कुछ है सब आता है, राइट? आई डोंट. मुझे ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए कि मैं खुद एवरी डे स्टूडेंट की तरह लर्न कर रही हूँ. तो इस लिहाज से हमें अपने बारे में अपने बायस को, तो अपने लिमिटेशंस हैं उसको समझना चाहिए कि हमें रोज तरह के ऐसे ऐसे वाक्यात होते हैं जिसमें हमें ये चांस मिलता है कि हम सीखें कि हमारे क्या लिमिटेशंस हैं. अगर हमें पता चल जाए हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, तो हम उस पर काम कर सकते हैं, राइट? तो इस लिहाज से हमें अपने बारे में ज्यादा सीखना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे करियर में कैसे शो अप कर रही है. तो उस लिहाज से हमें अपने आप से भी एम्पैथी होनी चाहिए कि हम परफेक्ट नहीं हैं. तो वो जो होता है कि हम अगर अपने आप को जज करना छोड़ दें, तो हम जो जिससे भी बात करेंगे, जैसे भी कम्युनिकेट करेंगे, हम विदाउट जजमेंट करेंगे, और उस लिहाज से आपके ज्यादा कंपैशनेट कम्युनिकेशन होगी. और अगर आपकी ज्यादा कंपैशनेट कम्युनिकेशन होगी, तो आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस और ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे. तो इस लिहाज से मैं कह रही हूँ कि एम्पैथी एक सीक्रेट सुपर पावर है, और मैं जितना भी इस पे काम कर रही हूँ, जितना भी मैं इसमें सीख रही हूँ और इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मुझे ज्यादा ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं क्रिएटिविटी को अनलॉक करने में. और एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम वुमेन, एज अ वुमेन वेयरिंग हिजाब, मैं यहाँ पे जैसे हूँ, तो मुझे भी पहले लगता था कि काफी लिमिटेशंस जो हैं वो मैंने खुद पे अपने आप पे लगाई हुई हैं. लेकिन उन लिमिटेशंस को ब्रेक करने में एम्पैथी का बहुत जरूरी रोल था. सो वन थिंग इज कि मैं अगर आपको कोई बात कहना चाहूँ कि आपको अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट ज्यादा जरूरी है. सो हम अपने आप को अपना एसेट समझें, राइट? हमने अपने आप पे इन्वेस्ट करें. That's one of the things के उससे आपके क्या फवायद होंगे. मैं 3-4 फवायद बता देती हूँ empathy के. मैंने थोड़ा सा prepare किया हुआ था कि पहला number है आपकी communication बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी. I'm not saying कि किसी को judge करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी ज़ुबान में आप बोलें, आपका confidence show करता है, right? जब आप अपने बारे में किसी को अपने idea के बारे में बताते हैं, आपकी communication बहुत empowered होनी चाहिए. क्या आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, अपने आप से आप बहुत वाकिफ हैं. कोई भी ऐसा कभी ऐसा महसूस ना हो कि किसी भी फोरम में या किसी सेटिंग में आप अपने आप से श्योर नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने आप से मुतमईन होंगे और जितना आप श्योर होंगे, उतनी आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी. और स्पेशली जब आपको चांसेस मिलेंगे प्रेजेंटेशन के या पिच करने के, तो उसके आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा एम्पावर्ड होगी. तो एक तो है कि हमें एम्पैथी की कम्युनिकेशन से एक तो बात करने के लिए फवायद होंगी, लेकिन दूसरा है कि एज एन एम्पैथ, जो हम सेंसिटिविटी या सेंसिटिव लोग हैं, वी नीड टू लिसन आल्सो, राइट? तो आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी बहुत फोकस्ड हो जाएगी कि हम जिससे भी बात करेंगे, हम हर मौके पर उनसे सीख सकेंगे. So listening is actually more than talking when it comes to communication. क्योंकि हम इस अंदाज से सीखेंगे और इस अंदाज से listen करेंगे कि same ही setting में दूसरे लोग वो pick up नहीं कर पाएंगे जो हम कर सकेंगे. If we are with extending with empathy. तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपको
जिससे भी बात करने का मौका मिले या जैसे भी इवन रिसर्च करने का मौका मिले, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एट द दैट लेवल, राइट? तो एक तो है हमें लिसनिंग का फायदा होगा, और काफी दफा ऐसे मौके मिलते हैं हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम कुछ अगर कहते भी हैं या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, आपको ऑफन ऐसा लगता होगा कि दूसरे लोग लिसन करना बंद कर देते हैं. वो अब अगर आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आप बात करेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, वो उस वक्त सोच रहे होंगे कि हमें जवाब में क्या देना है, राइट? लेकिन अगर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको करनी है तो जिस मौके पे आपको लिसन करना है, आप उस मौके पर अपने थिंकिंग को बंद करके एक्चुअली लिसन करें विदाउट जजमेंट, कि उस वक्त वो बंदे जो आपको कुछ बता रहे हैं वो वाकई में क्या बात कर रहे हैं. इवन अगर वो हमसे मुख्तलिफ कुछ बात कर रहे हैं या हमसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख रहे हैं, हमें वो लिसन करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए कुछ लर्निंग हो सकता है. तो मैं बहुत अगेन रिपीट करूंगी कि पार्टनरशिप करने में, कोलैबोरेट करने में, डिजाइन थिंकिंग जो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का या रिसर्च का, कस्टमर से जाके बात करने का, इसमें लिसनिंग की बहुत कैपेसिटी है, बहुत लर्निंग है. तो कभी भी हमें ऐसा एनर्जी नहीं देने चाहिए कि हम तो यू नो वी नो एवरीथिंग, ये नहीं होना चाहिए. हमें हर बंदे से सीखने का मौका मिलता है. सो बी श्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज लाइक दैट ग्रोथ माइंडसेट के साथ. दूसरा जो पॉइंट था, आपको फवायद थे जो एम्पैथी के मुझे बताने थे, था कि आप अगर इस मसल को, एम्पैथी के सुपर पावर को यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट? जो नामुमकिन लगता है कभी कभी, आप उसको मुमकिन बनाएंगे. ऑफकोर्स सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, वी बिलीव दैट, राइट? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पॉसिबल चीजें को भी वो दे गो एट इट, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं और अल्लाह उसमें बरकत डाल के ही मेक्स इट हैपन, राइट? तो अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. इसमें मैं जो कह रही हूँ कि हमें जब इन्फ्लुएंस करना है किसी को, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डिफेंसिव हो गए हैं. जब भी आप किसी से बात करें, लाइक वी सेड, हम अभी बात कर रहे थे कि कोई भी आपके आप जो जिस माइंडसेट या जिस डिसीजन पे है, अगर आपसे कोई आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है, कुछ अलग भी कह रहा है, उस वक्त भी हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए. तो ये चीजें हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर वाकई में हैं और आप नई चीजें सॉल्व कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नए सॉल्यूशंस पैदा कर रहे हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी आइडिया से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, राइट? और आपसे कहेंगे तो ये तो बेकार है, ये तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, आपको पुट डाउन करेंगे. लेकिन उस वक्त, उस मोमेंट पे आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है यू आर ऑलरेडी पावर्ड अप टू डू समथिंग. आपने डिसीजन लिया है एंड यू आर रिसर्चिंग, यू आर लर्निंग. तो आपको डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि किसकी बात में लाइक यू हैव टू प्रोसेस इट या किसकी बात को आपको यू नो दरगुजर करना चाहिए. यू डोंट हैव टू एक्चुअली बर्डन योरसेल्फ, कि आपको बर्डन नहीं लगना चाहिए हर किसी को प्लीज करने में या हर किसी को खुश रखने में. तो एम्पैथी के साथ साथ आपको ये चीजें सीखने में आएंगी. और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि काश मुझे 10-15 साल पहले किसी ने ये मुझे सिखाया होता, क्योंकि मैंने ये बहुत मुश्किल तरीके से सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से और अपनी करियर में ट्रेनिंग से. तो कभी भी अपने आप को फ्रस्ट्रेट होने की गुंजाइश ना रखें. लाइफ में बहुत सारे माइलस्टोन्स आएंगे. आपके स्टूडेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी ऑडियंस में, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, और यू नो जो लाइफ में होता है हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जो होता होता है, जो लिखा हुआ है अल्लाह की तरफ से, इट विल हैपन. लेकिन अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करें कि हम विक्टिम नहीं हैं. हमारे पास हर जो कुवत है, जो भी सीखना है हम करेंगे एंड वी विल गो गेट इट डन, राइट? तो उस लिहाज से आपकी कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होगी, और जब आप पावरफुली कम्युनिकेट करते हैं तो उसका फिर कोई यू नो अच्छे असरात ही नजर आते हैं इंशाल्लाह. सो दूसरी बात जो है कि आपको हर लेवल के हिसाब से, एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ कंपनी ओनर, आपको इस लिहाज से बात करनी चाहिए कि जो लोग स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, जैसे मैं कह रही थी स्ट्रैटेजी का मतलब 3 से 5 से 10 साल आगे की बात, लेकिन जब आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है अपनी टीम के साथ,
तो आपको एग्जीक्यूशन लेवल पे आ जाना चाहिए. एग्जीक्यूशन मतलब कि डे टू डे क्या ब्रेकडाउन है एक्टिविटीज का, क्या है जो आज अभी यू नो एमवीपी की तरह अभी काम करना है, क्या वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है. तो एट एनी टाइम एज एन एंटरप्रेन्योर आपको हाई लेवल भी सोचना पड़ेगा और आपको वर्किंग लेवल के बारे में भी सोचना पड़ेगा. और उस ट्रांसलेशन में जितना आप इफेक्टिव रहेंगे कम्युनिकेट करने में, भले वो हाई लेवल स्ट्रेटजी हो या एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो, तो उसमें आपको इस कम्युनिकेशन का बहुत फायदे होंगे इंशाल्लाह. मैंने ये बहुत मुश्किल तरीके से सीखा, लेकिन मैं अब इसमें बहुत कैपिटलाइज कर रही हूँ कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जितनी होगी, लोग उतने ही आपसे आके ज्यादा यू नो मुतासर होके आपसे हेल्प मांगेंगे, आपके आइडियाज लेंगे और उनको लेके चलेंगे. दूसरी बात जो लास्ट थर्ड जो फायदे हैं एम्पैथी के, वो एक है कि आपको क्रिएटिविटी को सस्टेन्ड रखना चाहिए. जैसे इसका यू नो कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे कुछ अच्छे प्रोडक्टिव डेज हो जाते हैं और हम बहुत काम कर लेते हैं, बहुत छोटे से यू नो कभी लगता है कि वो इस काम में या इस किसी टास्क में तो 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन हम बैठते हैं तो 5 घंटों में हो जाता है. तो वो जो क्रिएटिविटी आ जाती है, वो जो इनोवेशन आ जाती है, वो कोई मैजिक तो नहीं है. इट्स समथिंग दैट वी कैन ट्राई टू मेक ऑन डिमांड, कि हम हमेशा अपना बेस्ट सेल्फ लाके वो उस अंदाज से काम करें जैसे हम यू नो वर प्लेइंग बेसिकली. वर्क के लिहाज से नहीं, हम प्ले कर रहे हैं, हमें इतना मजा आ रहा है अपने काम में कि हम अपना बेस्ट सेल्फ पुट फॉरवर्ड करेंगे तो बेस्ट आउटकम ही निकलेगा. तो उसको सस्टेन करने में, मतलब उसको जारी रखने में डे टू डे, वो कैसे होता है? तो जो मैंने सीखा है कि हमें अपनी लाइफ में, लाइक आई सेड, हम सिर्फ एंटरप्रेन्योर तो नहीं है, काफी यू नो फैमिलीज में हम दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, फैमिलीज का इंटरेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, यू नो यूर मे बी यूर ऑल्सो वर्किंग, तो वर्क होता है, या तो स्टूडेंट्स हैं आपके अपने टीचर्स के साथ और यू नो फैकल्टी के साथ रिलेशंस होते हैं. तो इस एनवायरनमेंट में आपको कभी कभी ऐसे भी होता है कि थोड़ी सी टॉक्सिसिटी हो जाती है, थोड़ी नेगेटिविटी हो जाती है, लेकिन वो चीज़ें हमें बॉग डाउन करेंगी तो हम अपना बेस्ट नहीं दे सकेंगे, राइट? लेकिन उसके साथ से हमें विक्टिम भी नहीं होना चाहिए इन चीज़ों का. हम कैसे अपने आप को एम्पावर करें कि जो कुछ हमारे अतराफ में हो रहा है उसका असर जो हमें होता है उस पे, उससे हमारी क्रिएटिविटी पर असर ना पड़े. वी शुड स्टिल बी एबल टू बी रिजिलियंट. हालांकि मुश्किल वक्त आते हैं, कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जैसे यू नो हमें लगता है कि हम हिम्मत हार गए हैं और समथिंग, कि हमारी हमारे जो मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा. लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस लेवल पे ऑपरेट करें कि वो एक अलाइनमेंट हो, और वो अलाइनमेंट हमें यू नो जो कहते हैं ना हार्ट माइंड एंड सोल, जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो जाती है, फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, उसमें जो बात होती है ना दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. उसमें आपको इतने आप ग्राउंडेड हो जाते हैं अपनी आइडिया पे या अपने काम में कि आपको दूसरी चीज़ें आउटवर्ड जो एनवायरनमेंट में हो रही हैं वो आपको असर नहीं करेंगी. तो मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में, स्पेशली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, और आजकल फिर कोविड भी हो रहा है, तो दुनिया बहुत फास्ट अडॉप्ट कर रही है चेंजेस को, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को. तो इस लिहाज से दुनिया में आजकल बहुत बड़े बड़े मसले चल रहे हैं, और उन मसाइल को सॉल्व करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, राइट? पीपल दैट कैन इनोवेट. जो लोग इनोवेट करके नए तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हमें उनकी बहुत ज़रूरत है. तो आप लोग आजकल के एंटरप्रेन्योर्स हैं और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे. तो हम कैसे आपको वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो हमने सीखी, ताकि आप फास्ट पेस में, आपको वो ज़्यादा टाइम ना लगे वो चीज़ें सीखने के लिए, वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, ताकि आप आगे ज़्यादा इनोवेट और ज़्यादा क्रिएटिव हो सकें. हर आइडिया सक्सेसफुल आइडिया मे बी नहीं होगा, मगर दैट्स नॉट द पॉइंट. हम आइडिया जनरेशन में भी ज्यादा बढ़ें, कि हम मे बी 50 आइडियाज निकालेंगे तो एक आइडिया सक्सेसफुल होगा. तो इस लिहाज से हमें अपने माइंड को बहुत क्लीन रखना चाहिए.
बहुत क्रिएटिव रखना चाहिए. तो उस हिसाब से बस दो तीन चीजें मैं और बताऊंगी. हमें अपने आप की बायसेस, जैसे मैं कह रही थी, अपने अपने आप के फियर को, जो हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे, या बहुत परफेक्शनिज्म है कि हम अपने आप से बहुत जैसे बहुत स्टैंडर्ड जैसे डाल देते हैं अपने आप पे, कि हम किसी भी चीज को लॉन्च नहीं होने देते जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए. लेकिन एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में आपको हर चीज को टेस्ट करना पड़ता है. यू हैव टू पुट इट आउट देयर, और मार्केट जो है, जो आपके कंज्यूमर्स होंगे, वो आपको सिखाएंगे कि ये एक्चुअली अडॉप्ट हो रहा है या नहीं. क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी बेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है आपने वही बनाया जो आपको कस्टमर से मिला रिसर्च में, कि आप हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे, आपने जाके वो बना दिया. लेकिन जब आप वापस वो लॉन्च करेंगे, तब तक कस्टमर्स के अपने ओपिनियंस भी चेंज हो जाएंगे. लोग अपने ओपिनियंस चेंज करते हैं, लोग ग्रो करते हैं. तो हमें ये गुंजाइश होनी रखनी चाहिए कि हम मार्केट से भी सीखेंगे कि जो हम बनाएंगे मे बी वो परफेक्ट नहीं होगा, मगर जितनी जल्दी हम उसको अडेप्ट करके, उसको ज्यादा इटरेट करके डिप्लॉय करेंगे, उससे हम ज्यादा सीखेंगे, उससे वो ज्यादा परफेक्ट बनेगा. तो डर नहीं होना चाहिए कि हम कुछ गलत कर लेंगे. फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, कि हम फेलियर से सीख कर सक्सेसफुल बनेंगे. तो ये दो तीन चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी आज. और एम्पथी के साथ साथ ये भी है कि लोग बताते नहीं है कि डार्क साइड टू एम्पथी, के बहुत बहुत ऐसे कभी कभी हालात हो जाते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स को बर्नआउट हो जाता है. तो बर्नआउट को हम कैसे मिनिमाइज करें, आई थिंक ये भी एक चीज है जो हमें ज्यादा बात करनी चाहिए, जिसपे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जब मैं कह रही हूँ बर्नआउट हो जाते हैं, उससे काफी ऐसे यू नो इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं लोगों को. दे आर नॉट एबल टू सस्टेन क्रिएटिविटी, वो अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं, दे आर नॉट मोटिवेटेड एनी मोर. तो ये चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा बात करनी चाहिए, ताकि हमारी कम्युनिटी में भी एक सपोर्ट सिस्टम हो, कि हम प्रिवेंट कर सकें लोगों को बर्नआउट की तरफ जाने से. तो मेरे यही एक्सपीरियंस था कि हम इन चीजों से सीखते हैं, और जो भी मुश्किल हालात, जैसे मैं कह रही थी बर्नआउट या ऐसी चीजें हो रही हैं और आती हैं, दे कम इन आवर एक्सपीरियंस टू हेल्प अस ग्रो. तो बस यही था कि एम्पैथी के बारे में ज्यादा बात करें, और इंशाल्लाह होपफुली यू फाउंड दिस टाइप ऑफ डिस्कशन हेल्पफुल. और यू नो हम इन टच रह सकते हैं लिंक्डइन के जरिए, या पार्क 100 कम्युनिटी के जरिए, आइडियाजिस्ट के जरिए. तो इंशाल्लाह गुड लक टू ऑल ऑफ यू, कि आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कोहोर्ट में वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहे. और आई थिंक हसन भाई, आई विल हैंड इट बैक टू यू. कोई और सवाल हो या क्वेश्चन हो तो I'm sure. Thank you so much, Ayesha. That was very good. और जो आपने यहाँ पे थीम कवर की है, यही हम इन लोगों के साथ बात कर रहे हैं कि we need entrepreneurs to fix the problems, you know, to be able to have an impact on the society. और ये मेरे ख्याल में बड़ा important है कि जो भी problems ये solve करने जा रहे हैं, उन प्रॉब्लम से इनका एक रिश्ता हो, यानी दे फील कि ये प्रॉब्लम उन्होंने एक डीपर लेवल के ऊपर, दे फील के उनको इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो दैट्स वेरी गुड. इन टर्म्स ऑफ जो आप तो जाहिर है पाकिस्तान में ही पली बड़ी हैं, यहाँ की इन्वायरमेंट का आपको अंदाज़ा है, एंड देन यू आर इन सिलिकॉन वैली, राइट? सो यहाँ पर इन लोगों को आपके ख्याल में क्या चेंज करनी चाहिए कि ये दे गेट क्लोजर टू दी स्टाइल ऑफ सिलिकॉन वैली, वेयर यू नो पीपल आर थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स. तो आप क्या इनको मशवरा देंगी? जी, तो मेरा यही मशवरा होगा हसन भाई, कि हमें हर चीज में अपना ऑथेंटिक सेल्फ रहना चाहिए, राइट? हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसकी तरह हो जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या मैं उसकी तरह लगूंगी तो मैं सक्सेसफुल रहूंगी. हमें एक्चुअली बहुत ग्राउंडेड रहना चाहिए अपनी आइडेंटिटी में. मुझे ये कभी कभी एहसास होता है जब मैं विजिट भी करती हूँ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि हमारी यंगर जनरेशन हमारे कल्चर से, हमारे आइडेंटिटी से थोड़ा थोड़ा दूर हो रही है, राइट? कभी कभी लगता है.
आई थिंक हमें ज्यादा ऑथेंटिक रहना चाहिए अपनी आइडेंटिटी से, और वो ही हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. अगर हम अपने आप से श्योर नहीं होंगे तो हम आगे नहीं चलेंगे. यहाँ पे मैंने सिलिकॉन वैली में कभी भी किसी को जैसे लैंग्वेज बैरियर से या एजुकेशनल बैकग्राउंड से या इस लिहाज से कभी कोई फर्क नहीं देखा. आई थिंक एवरीबडी कैन मेक इट, लेकिन वही है कि आप कितने ऑथेंटिक शो करते हैं, कॉन्फिडेंट शो करते हैं अपनी आइडेंटिटी से. तो यही मैं कहूंगी. वेरी गुड, तालियां बजा रहे हैं आपके लिए. थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर. नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जो प्रॉब्लम ये सॉल्व करने जा रहे हैं उससे डीपर कनेक्शन एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ, राइट? यू डोंट नीड टू बी समबडी एल्स टू डू थिंग्स, और आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है अमेरिका में या बाहर, जो पाकिस्तानी जाते हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह वो वहाँ रहते हैं. यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी आइडेंटिटी पे इतना प्राउड नहीं होंगे, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग अपनी आइडेंटिटी पे ज़्यादा प्राउड हैं वो एक्चुअली ज़्यादा सक्सेसफुल हैं बनिस्बत उन लोगों के जो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर प्राउड नहीं हैं और दे आर बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू फॉलो अदर पीपल. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और कोई इनके लिए आपके पास नगेट्स हैं शेयर करने के लिए आयशा? मैं तो यही कहूंगी कि हसन भाई, हमें अपनी जो पैशन, मोटिवेशन, जो हम पसंद करते हैं काम करने में, हमें जितनी अपने आप पे, अपने आप के बारे में लाइक जितना हम जानेंगे उतना ही हम अलाइन होंगे कि हम अपने फ्यूचर में क्या काम करना चाह रहे हैं. तो जितना हम इवन स्टूडेंट लाइफ में अपने स्ट्रेंथ के साथ अलाइंड होंगे कि मैं किस काम में जाना चाह रही हूँ, देन यू कैन मेक दैट हैपन. तो जब सिलेक्शंस होते हैं करियर चॉइसेस में, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, तो इनको आपको अपने, जितना आप अपने आप को जानेंगे उतना ही आप बेहतर डिसीजन ले सकेंगे. तो आई थिंक दोज आर हेल्पफुल थिंग्स इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच आयशा फॉर स्टेइंग अप लेट. अब 10:30 बजे वहां रात के जी, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे 12:30 बजे, मगर इट्स ओके इंशाल्लाह. आई एम इन ह्यूस्टन राइट नाउ, टेक्सास. अच्छा, चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच देन, टेक केयर आयशा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन.